How many? अच्छा मैं वो पहले मेरा वर्ड सुनो, पहले मेरा वर्ड सुनो. फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा द पंजाब विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. 13 लिख. 117 तब होगा जब कौन से इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन होंगे. क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है अभी भी? रेज योर हैंड. एमपी के इलेक्शन के लिए पंजाब को बहुत इजी है. एमपी के इलेक्शन के लिए पंजाब को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. एमएलए के इलेक्शन के लिए पंजाब को 117 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. तो दोनों में पार्ट्स वर्ड कॉमन है. पार्ट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे. इसके बाद नेक्स्ट है बेटा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. नहीं नहीं, जस्ट जनरल है, जस्ट आपको बताया गया. सोर्स पेस नहीं होगा तो. ठीक है हाँ जी. आपको मेन हाईएस्ट एंड हाईएस्ट याद करो. हाईएस्ट एंड पंजाब, आपको हाईएस्ट एंड पंजाब का पता होना चाहिए. फॉर द लोकसभा इलेक्शंस द पंजाब विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. 13 वेरी इजी. ठीक है, एंड फॉर द असेंबली इलेक्शंस पंजाब विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज. 117. ठीक है, आगे आ जाओ. टिकट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब होता है एक पार्टी किसी पर्सन को टिकट. टिकट का मतलब होता है उस पर्सन को राइट देना अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा करना. किस तरह से किसी पर्सन को नॉमिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एक पार्टी किसी पर्सन को टिकट देते हुए किन चीजों की जो है क्या क्या माइंड में रखते होंगे लीडर्स, वो हमने इसमें बताना है सबसे पहले. अब अपने रिक्वायरमेंट. हाँ, नॉमिनेशन का मतलब होता है सपोज एक पार्टी का लीडर है, जतिन इज द लीडर ऑफ एनी पार्टी. अब जतिन ने ये डिसाइड करना है कि मैं इस एरिया में किसको टिकट देनी है मैंने, तो उस टिकट देने के लिए कौन से पर्सन एलिजिबल होंगे. एलिजिबल का मतलब होता है उसने कुछ कंडीशंस देखनी है कि वो पर्सन उन कंडीशंस को फुलफिल करे. कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? नंबर वन, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ये तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इलेक्शन के लिए. ऑब्वियसली जो सिटीजन होगा वही इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा और लोग उसको ही वोट करेंगे क्योंकि लोगों को पता है कि वो इंडियन है. ठीक है, सेकंड, चाहे लोकसभा के इलेक्शन है चाहे एमएलए के इलेक्शन है, एज शुड बी, उस पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए? 25 अबव. यानी कि चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एज कितनी होनी चाहिए? 25. अच्छा, वोटिंग राइट क्या है? वोटिंग एज क्या है आपकी? 18. वोट डालने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18. लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, तो एज कितनी होनी चाहिए? 25. और क्या देखते हैं टिकट देते टाइम? थर्ड, नो क्रिमिनल केस शुड बी पेंडिंग. पेंडिंग का मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे कि मैम कई लोग हैं, कई नेता उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस होते हैं. अगर केस हो भी गया है ना तो केस खत्म हो चुका हो और कोर्ट ने उसको गिल्टी प्रूव ना किया हो, लेकिन अगर केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग का मतलब एट प्रेजेंट उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो उसको अगर पार्टी टिकट देगी तो अल्टीमेटली वो पार्टी का बैड इंप्रेशन पड़ेगा. समझ आई? तो कोई भी पर्सन जो है वो टिकट देते हुए ये देखेंगे कि इस पर्सन के अगेंस्ट कोई पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा, क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा. क्या उस पर्सन ने कोई मर्डर तो नहीं किया या थेफ्ट का केस या करप्शन का या ब्राइब का या कोई स्कैम तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पार्टी की ही इमेज खराब हो. ठीक है, थर्ड आप बता सकते हो दैट डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी. इसको इजी वे में लिखो, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी. डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी नॉमिनेशन पेपर में, जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो लिखनी पड़ती है. लेकिन पार्टी के लीडर को भी उस पर्सन की डिटेल पता होनी चाहिए. सपोज जतिन है, उस पर्सन की शोटी लेगा ना. शोटी का मतलब होता है मैं इसकी शोटी लेता हूँ कि मेरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहा है. शोटी का मतलब क्या होता है? मुझे उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बैंक अकाउंट्स के बारे में, उसके केसेस के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि कल को अगर उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी बात निकलती है, पहले तो कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा? पार्टी लीडर. और अगर पार्टी लीडर के हाथ से बात निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि हाँ जी हम तो चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपके कारण हमारी पार्टी का नाम खराब है. ठीक है, हाँ जो भी है. ठीक है, तो इसमें क्या है? डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब होता है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी.
प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उस पर्सन की कितनी प्रॉपर्टी है, ये पार्टी के लीडर को भी पता होने चाहिए। एंड नॉमिनेशन पेपर जब फिल करते हैं उसमें सारा लिखना पड़ता है, बैंक अकाउंट्स लिखने पड़ते हैं, अपने अकाउंट नंबर देने पड़ते हैं, आधार कार्ड देना पड़ता है, पैन कार्ड देना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। देन अब आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नॉमिनेशन पेपर के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक कॉलम जो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो भी कैंडिडेट की उसमें लिखी जाती है नॉमिनेशन पेपर के ऊपर। लेकिन यहां तक सिर्फ याद करो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, विच आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड MP और MLA, क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये है, पहले तो है नो नो लिसन, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिख दिया, ये इसलिए लिखा गया है कि उस पर्सन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो नॉमिनेशन पेपर में उसको मेंशन करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछूं कि विच आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग MP एंड MLA, नथिंग, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब प्लीज डोंट नाउ, ठीक है। मैं जैसे आपको ये बता रही हूँ कि हमारी कंट्री में लीडर बनने के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, MP बनने के लिए भी नहीं है और MLA बनने के लिए भी नहीं है। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, सपोज एक लीडर है उसने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसने MBBS की है, वो उसके ऊपर है, वो जस्ट नॉमिनेशन पेपर के ऊपर लिख देगा कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर उसकी नहीं है तो वो कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। IT है लेकिन वो खाली भी छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि वाई हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है? अब आप एक और चीज याद रखना, जब हमारी कंट्री में कोई भी मिनिस्टर बन जाता है ना, मिनिस्टर जैसे ही अपनी चेयर पे बैठते हैं ना, उनके सामने IS ऑफिसर्स की लाइन लग जाती है। एंड दीज IS ऑफिसर्स आर वेल वर्स्ड इनटू देयर सब्जेक्ट, वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के मास्टर्स हैं। हेल्थ मिनिस्टर के लिए MBBS होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके आगे जितने भी IS ऑफिसर्स हैं दे आर टॉपर्स ऑफ साइंस। लेकिन कुर्सी को सलाम करते हैं, वो किसके आगे जो है वो बैंड होंगे? मिनिस्टर के सामने। रीजन क्या है? मिनिस्टर की पोस्ट हायर है और IS ऑफिसर्स दे हैव टू ऑब्लाइज, उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। अब इनडायरेक्टली आप देखो कि प्लानिंग पॉलिसी सारे कौन बनाते हैं? IS ऑफिसर्स। लेकिन फाइनल साइन किसके चलते हैं? मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स, हाँ हाँ आप कहते होने चाहिए, हम कहते होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारी कंट्री में 50% लोग फार्मर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का 50% पार्ट जो है दे आर बिजी इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। लेकिन उसमें से भी अगर विलेज एरियाज की बात छोड़ दी जाए तो ऑल आर नॉट लिटरेट, मैनी पर्सन दे आर इलिटरेट। अब बात आती है, क्या आपको लगता है कि जो पर्सन बहुत पढ़ा लिखा हो, IT है, दे विल बी कैपेबल टू टेक क्विक डिसीजंस? जरूरी नहीं। एक पर्सन अपने सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन जब आती है कॉमन प्रॉब्लम्स की, कंट्री की प्रॉब्लम्स की, या डोर टू डोर जाके कन्विंसिंग लोगों की कैपेबिलिटी, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, टू टैकल द प्रॉब्लम्स, मे बी दोस पर्सन दे आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट, मे बी दे आर नॉट ऑनेस्ट। लेकिन हो सकता है कि ऐसा पर्सन जो इलिटरेट है वो ऑनेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये कह देंगे ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ एजुकेटेड पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द एजुकेटेड पीपल एंड बाय द एजुकेटेड पीपल। डेमोक्रेसी में हमने सिर्फ क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। हर किसी का होता है। अच्छा, एक और चीज देखो, जरूरी नहीं है कि एक इलिटरेट पर्सन जो है उसको ज्यादा मैनर्स होंगे एज कम्पेयर टू लिटरेट पर्सन। एक इलिटरेट पर्सन जो है, पुराने टाइम पीरियड में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब पंचों सरपंच बनते थे, वो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर जजमेंट करते। तो पुराने टाइम पीरियड में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट देवर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। क्विक डिसीजन का मतलब होता है कि विलेज एरियाज में कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो बताते हैं। तो सिंपल बात क्या है कि हमारी कंट्री में लीडर बनने के लिए, MP बनने के लिए, MLA बनने के लिए कोई एज सच एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं है, बट स्टिल एक कॉलम दिया गया है कि पर्सन की क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं ये पूछूं कि विच आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप क्या लिखोगे? देयर इज नो एज सच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर बिकमिंग MP एंड MLA, बट सम क्वालिटी शुड बी देयर। क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिटीज।
अब आप खुद ये क्वालिटीज इमेजिन करो कि क्या क्या होनी चाहिए, खुद अपनी जो है वो भी थिंकिंग से लिखो क्या क्या होनी चाहिए। नंबर वन, लीडर शुड बी ऑनेस्ट, ये आपने लिखना है, लीडर शुड बी ऑनेस्ट। विच एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नीडेड फॉर बिकमिंग एमपी एंड एमएलए, ये आपने बताना है। देर इज एज सच नो क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर बिकमिंग एमपी एंड एमएलए, वट लीडर शुड बी क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट। नंबर टू, कैपेबिलिटी टू टेक गुड डिसीजन, एक लीडर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू टेक गुड डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वेरी गुड, आपके पॉइंट्स आप खुद बनाओ। लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज, लीड करना, हर एक के पास की बात नहीं होती लीड करना, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, कैंपेन्स, कैंपेन की एनर्जी होनी चाहिए, कैंपेन को टैकल करें, रैलीज। अच्छा देखो, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, बेस्ट स्पीकर है वो, है ना, बेस्ट स्पीकर है, तो एक लीडर को क्या होना चाहिए, बेस्ट स्पीकर होना चाहिए, है ना, वन ऑफ द बेस्ट। और अच्छा एक और होना चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल पीपल, अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की एबिलिटी, एंड टू सॉल्व, उनको सॉल्व भी करना, प्रॉब्लम्स को सुनना ही नहीं बल्कि उनको सॉल्व भी करवाना, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल पीपल एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशंस, उनके सॉल्यूशंस को सर्च करना, मस्ट बी एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, कैपेबल होना चाहिए। आप इमेजिन करो आपके ग्रैंडफादर और आप, आपके ग्रैंडफादर और आप, मे बी आपके ग्रैंडफादर बहुत एजुकेटेड नहीं है, एनीवन, कोई भी बच्चा हैंड रेस करे, अपने ग्रैंडफादर की क्वालिफिकेशन पता आपको, एनीवन ऑफ यू, देखो आपको यही नहीं, हाँ जी बच्चा पीएचडी की हुई है, और एनी अदर आपको अपने ग्रैंड, हाँ जी एमए, और एनी अदर आपको अपने ग्रैंडफादर की क्वालिफिकेशन नहीं पता। पुराने टाइम पीरियड में ना एजुकेशनल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो बहुत ही कम लोग होते थे जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बहुत हाई हुई, लेकिन आप खुद देखना हो कि उनका जो स्टाइल है, उनका बोलने का स्टाइल, उनका लिखने का स्टाइल, उनको बहुत सी लैंग्वेजेस भी आती होंगी, कईयों को तो उर्दू भी आती होगी, है ना, तो कईयों को तो और भी लैंग्वेज आती है, उनकी उनका माइंड बहुत शार्प होगा एज कम्पेयर टू यू, वो आपसे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने बहुत सी जो है वो टाइम स्पेंड किया, तो एक एक्सपीरियंस पर्सन, लीडर को एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा हमारी कंट्री में आप देखोगे कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो ज्यादा एजेड ही होते हैं, रीजन क्या होता है, एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। अगर आप एक अच्छा प्रेसिडेंट की बनने की एज कितनी होती है रिक्वायरमेंट, 35, प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज कितनी है 35, ये सारा हम बाद में करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, अभी तक सिर्फ इतना याद रखो कि लीडर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है पहले तो है ही नहीं है, और अगर हमने सिर्फ ये बता रहा कि क्वालिटीज क्या हो सकती है, मिनिमम 35 अब अभी हो, हाँ जी। अब इसके बाद आ जाओ इलेक्टोरल कैंपेन, नेक्स्ट इज क्या होता है इलेक्शन कैंपेन, ये मैंने जब आपके साथ फीचर डिस्कस किया था उसमें करवाया था इलेक्शन कैंपेन, इसमें कैंपेन में आपने क्या बताना है, तीन चीजें आपने याद रखनी है, आपकी बुक में ना कुछ पार्टीज के नेम, लीडर्स के नेम एंड ईयर वाइज, देखो ईयर वाइज कुछ रिकॉर्ड दिया गया है जिसमें ये बताया गया कि हर पार्टी अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए टैगलाइंस या एक स्लोगन जरूर बनाती है, जैसे लोकदल ने क्या बनाया, लोकदल ने क्या बनाया, न्यायुद्ध, न्यायुद्ध मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ऐसे ही आपने याद रखना है कि कैंपेन का पार्ट क्या होता है, प्रॉपर स्लोगन्स। तो ये आपको वन मार्क क्वेश्चंस के लिए याद करने हैं, एक तरफ सबसे पहले आपने लिखना है पार्टी का नेम, फिर आपने लिखना है उस टाइम के लीडर कौन थे जिस लीडर ने उस स्लोगन को हाईलाइट किया, और फिर आपने लिखना है कि वो ईयर कौन सा था, कौन से ईयर में वो स्लोगन बहुत फेमस हुआ, क्लियर, ऐसे इसको याद रखना है, पार्टी नेम, लीडर नेम और ईयर और स्लोगन का नेम। सबसे पहले नंबर वन, फर्स्ट आप याद रखो कांग्रेस पार्टी INC, कांग्रेस पार्टी INC, जिस टाइम पीरियड में
इन्होंने ये स्लोगन दिया था, स्लोगन का नाम है गरीबी हटाओ या रिमूव पावर्टी। गरीबी हटाओ, रिमूव पावर्टी। कौन से इलेक्शंस में इन्होंने ये हाईलाइट किया? लोकसभा इलेक्शंस 1971, लोकसभा इलेक्शंस 1971, इंदिरा गांधी। उस टाइम पर में लीडर कौन थे इस पार्टी के? लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी। हाँ, उस पर्टिकुलर ईयर में बहुत फेमस हुआ 1971 के इलेक्शन में। जैसे हमने कहा अच्छे दिन आएंगे बीजेपी का है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ जी, सेकंड। अच्छा, जब कांग्रेस पार्टी जीत गई 1971 में, तो उसके अगेंस्ट जनता दल एक और पार्टी जिन्होंने ऑपोजिशन में, कांग्रेस की ऑपोजिशन में कहा कि कांग्रेस पार्टी आ गई है, अब तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये डिक्टेटरशिप लेकर आ रहे हैं, तो इनका स्लोगन क्या बना? सेव डेमोक्रेसी। अब आप सेकंड लिखो, जनता पार्टी बीजेपी नहीं, जनता पार्टी सिर्फ, जनता पार्टी। इन्होंने स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी इलेक्शन से लोकसभा इलेक्शंस 1977। जनता पार्टी सेव डेमोक्रेसी 1977। इसमें लीडर का नेम नहीं, आपने याद रखना, ईयर याद रखो, स्लोगन याद रखो और मेन याद रखो पार्टी का नेम 1977। ये दो एग्जांपल है नेशनल पार्टी के। अब आ जाओ स्टेट के, थर्ड आ जाओ पार्टी का नेम, लेफ्ट फ्रंट। पार्टी का नाम है लेफ्ट फ्रंट। कई पार्टीज ने मिलकर अलायंस बनाई, उसको क्या नाम दिया? लेफ्ट फ्रंट। और ये जो लेफ्ट फ्रंट पार्टी थी, इस पार्टी ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीते, स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। स्लोगन क्या दिया? लैंड टू द टिलर। टिलर का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर करता है, एटलीस्ट उसको लैंड मिलनी चाहिए। लैंड टू द टिलर, टिलर मींस जो एग्रीकल्चर करता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में हर पर्सन को क्या मिलनी चाहिए? लैंड। ईयर 1977 वेस्ट बंगाल। इसमें चार चीजें याद रखनी है आपने, पार्टी का नेम लेफ्ट फ्रंट, स्लोगन लैंड टू द टिलर, स्टेट वेस्ट बंगाल, और ईयर 1970। लीडर ने क्यों किया? तो ग्रुप ऑफ पार्टीज अलायंस। हाँ जी, नेक्स्ट तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट है तेलुगु देशम पार्टी, TELUGU, तेलुगु देशम, DESAM, तेलुगु देशम पार्टी। ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश, स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश। ईयर 1983, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। और इस पार्टी के मेन लीडर का नाम याद रखो, एनटी रामाराव, जो साउथ के ना तमिल हीरो भी हैं, फेमस है एनटी रामाराव, N.T. Rama, RAMA राव, RAO, एनटी रामाराव, N.T. Rama राव, एनटी रामाराव। और ईयर 1983, इसमें आपने क्या क्या याद रखना है? पार्टी का नेम तेलुगु देशम पार्टी, लीडर का नेम एनटी रामाराव, स्टेट, ईयर, स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज।
बीजेपी का करंट स्लोगन क्या था? ऐसे टैगलाइंस आपने याद रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कैंपेन में दीज काइंड ऑफ टैगलाइंस या स्लोगन्स बिकेम वेरी पॉपुलर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। ठीक है, आगे आ जाओ कोड ऑफ कंडक्ट, नेक्स्ट पेज कोड ऑफ, ये वन मार्क के अकॉर्डिंग है सर, कोड ऑफ कंडक्ट। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सिंपल। हाँ, अगर तो वन मार्क के अकॉर्डिंग आए ना, आपने सिर्फ ये बताना है कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सम नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस, कुछ भी लिख सकते हो, फ्रेम्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। कौन बनाता है इनको? इलेक्शन कमीशन। एंड दीज आर टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, सिंपल। ठीक है, इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन अगर आपको यही 3 मार्क्स में आ जाए, राइट अ नोट ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें क्या क्या, किस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपकी बुक में बहुत से कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं, यू कैन राइट एनी 3, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, कैंडिडेट विल नॉट यूज वर्शिप प्लेसेस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। ये मैं नहीं याद रखू, फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट रूल क्या कहता है, कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट यूज एनी वर्शिप प्लेस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन के टाइम पीरियड में कोई भी वर्शिप प्लेस को यूज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट यूज एनी वर्शिप प्लेस फॉर कैंपेन या इलेक्शन के टाइम पीरियड में। हाँ जी, सेकेंड, दे विल नॉट यूज कास्ट एंड रिलीजन ड्यूरिंग इलेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में दे विल नॉट यूज एनी इमोशनल स्पीचेस अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड देयर कम्युनिटी। बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो दैट विल बी क्या होगा, दैट विल बी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस के ऊपर कहते हैं। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज एनी पर्सन विल यूज दिस काइंड ऑफ लाइंस, यस एट आई एम हिंदू प्लीज वोट फॉर मी बिकॉज यू आर हिंदू एंड आई एम हिंदू, तो ये क्या है, दैट इज काइंड ऑफ रिलीजियस स्पीच। की वो सिर्फ क्या करें कि बीइंग अ हिंदू आप मुझे वोट करो क्योंकि जीतने के बाद मैं सिर्फ आपको ही प्रोटेक्ट करूंगी, है ना। हाँ, तो ये रिलीजन को आप कभी भी यूज नहीं करोगे। तो सेकंड कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स दे विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इमोशनल अपील रिगार्डिंग द रिलीजन्स, रिलीजन के बेसिस के ऊपर ऐसा नहीं करेंगे। देन लीडर्स और पार्टीज विल नॉट यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स और गवर्नमेंट स्टाफ। लीडर्स और पार्टीज विल नॉट यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड गवर्नमेंट स्टाफ ड्यूरिंग कैंपेन। लीडर्स और पार्टीज विल नॉट यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड गवर्नमेंट स्टाफ ड्यूरिंग कैंपेन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो ऑलरेडी मिनिस्टर है, वो अपने अंडर आने वाले जितने भी स्टाफ है उनको ये बोलता है कि हाँ जी रैलीज हैं, आज आपने यहाँ पे काम नहीं करना, आपकी ड्यूटी है मेरे साथ कैंपेन करो। लेकिन ही इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो अपने ड्यूटी आवर्स में उसको क्या करना चाहिए, ड्यूटी आवर्स में उसको काम करना चाहिए। लेकिन उस पर्सन को अगर मिनिस्टर अपने साथ रैलीज में लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, दे आर यूजिंग गवर्नमेंट स्टाफ। ठीक है, अपने पर्सनल कैंपेनिंग के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्या है, एनी मिनिस्टर हु इज करंट होल्डर का मतलब होता है जो करंट पावर में है, दे विल नॉट ले एनी फाउंडेशन स्टोन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। पहले इसको ध्यान से सुन लो, सपोज इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, आज आपको पता लग जाता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, आज से अनाउंस होगी डेट। इवन कल तक भी सपोज कोई भी मिनिस्टर, अगर आप न्यूज में ये देखते थे किसी मिनिस्टर ने, फाउंडेशन स्टोन का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, उस बिल्डिंग को बनाने से पहले एक छोटी सी वॉल बनाते हैं ब्लैक कलर का ग्रेनाइट, उस पे रिटन होता है कि दिस एंड दिस बिल्डिंग हैज बीन फाउंडेड बाय द सो एंड सो मिनिस्टर।
और उस मिनिस्टर को बुलाते हैं वहां पे, उनसे रिबन कटाई होती है और उसके बाद उसे उसको क्या देते हैं, एक जस्ट ब्रिक देते हैं, वो उस ब्रिक को रखते हैं कि हाँ जी इनसे हमने क्या करवाया है, फाउंडेशन रखवाई है। क्या वो पर्स, क्या वो मिनिस्टर जो है वो खुद वहां पे पैसा स्पेंड करते हैं? वो गवर्नमेंट मनी है, उन्होंने वो जस्ट उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और मे बी 3-4 years के बाद वहां पे प्रॉपर कॉलेज बन गया, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया। तो जब भी कोई पर्सन वहां पे जाएगा ना, उस फाउंडेशन स्टोन पे क्या लिखा होगा, सो एंड सो बिल्डिंग हैज बीन फाउंडेड बाय सो एंड सो मिनिस्टर। हाँ, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन रखना। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, अगर डेट हो गई, अनाउंसमेंट हो गई है, अनाउंसमेंट के बाद कोई भी मिनिस्टर किसी भी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन नहीं रखे। अगर वो ऐसा करता है तो वो क्या कर रहा है, अपनी पार्टी की प्रमोशन कर रहा है। अनाउंसमेंट में आपको याद आया, पहले नहीं याद आया, अब आपको याद आया, क्योंकि उनको होता है कि जाते हुए हम ऐसा कर जाए कि लोग हमारी पार्टी का नाम याद रहे, है ना। तो अनाउंसमेंट से पहले कर सकते हैं लेकिन अनाउंसमेंट के बाद नहीं। सो यू कैन राइट डाउन, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर विल नॉट ले एनी फाउंडेशन स्टोन। मिनिस्टर विल नॉट ले LAY एनी फाउंडेशन स्टोन और कैन अनाउंस बिग पॉलिसी डिसीजन कैन नॉट अनाउंस बिग पॉलिसीज डिसीजन। कोई भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी की प्रमोशन कर रहे हैं। करना है तो पहले करो, बाद में नहीं। बिग पॉलिसीज डिसीजन, क्लियर? सो दैट वॉज ऑल अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताई दी है कि इलेक्शन के टाइम पीरियड में MP बनने के लिए एक पर्सन एटलीस्ट कितना अमाउंट जो है वो खर्च कर सकता है, 25, MLA बनने के लिए 10। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड एनी मिनिस्टर कैन नॉट ले एनी फाउंडेशन स्टोन एंड कैन नॉट टेक एनी पॉलिसीज डिसीजन, ठीक है, बिग पॉलिसीज डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ जी, जबकि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वोटर, अरे उसको फुल फॉर्म बोलो ना, नन ऑफ द अबव, राइट डाउन। EVM, हाँ जी, EVM आपको पता ही है, EVM की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नाउ यू कैन सी दिस टेबल, ये गुलबर्गा असेंबली का टेबल है, देखने से ही पता लगता है कि बाकी पार्टीज को कितने पड़े, नन ऑफ द अबव, नोटा नीचे 9888। ये नोटा कोई पार्टी है क्या है? नन ऑफ द अबव का मतलब है कि किसी भी पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन को वोट कितने लोगों ने नहीं दिया, 9888।